हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ साउथ के अनिल कपूर की मूवीज, यानी कि उसने पुराने से लेके नवे टाइम तक भी सिर्फ लड़ाइयाँ करी। हर स्टेज पे और हर एक्ट पे अपनी जान दी। जो भी उसका एक्ट दे दिया जाए वो उसमें निखर के आता, वो सब आपने देखा ही होगा और आपने नागार्जुन नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं की मूवी के बारे में। चलिए शुरू। अगर साउथ का नाम लिया जाए तो ही इज द वन ऑफ द फर्स्ट टॉप फेवरेट इन माय लिस्ट। इनका एक्शन, इनके अंदर रोमांस नाम की चीज़ नहीं है लेकिन ये फिर भी करते हैं। इनकी फाइटिंग स्किल्स, इनके जो एक्ट है और ये जो इमोशन डालते हैं अपनी हर एक्ट के अंदर, आप इनके अंदर नोटिस करोगे कि आप इनको जो भी एक्ट दोगे ना तो उसमें जान दोगे, ऐसा लगता है कि वो एक्ट इन्हीं के लिए ही बना। बिहारियों को क्यों बदनाम करता है तू? मुझे अपना क्या पावर दिखाएगा? मैं तुझे इंडियन पावर दिखाता हूँ। और हाँ, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो मवाली हो, चाहे वो एक फादर हो, चाहे वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, हर चीज़ की एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इनके सामने दिखाई जाती है। किसी भी एक्ट में इस तरह ढलते हैं कि पता ही नहीं लगता कि एक्ट इनका था या एक्ट इनको दिया था। करेगा, फिरोज का हाथ सर पर है इसलिए मनमानी करेगा। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करने वाले एक ऐसे शख्स जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके, हालांकि अब आने वाली कुछ ऐसी मूवीज जो बता भी नहीं सकते कि कितना आगे जाएगी। हमारे नागार्जुन की एक नवी मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, एक जस्ट एक रिव्यू लॉन्च करा है कि भाई हाँ, 5 अक्टूबर को इनकी एक गोस्ट मूवी आने वाली है। और ऐसी मूवी मेरे ख्याल से तो फाइटिंग का नेक्स्ट लेवल इन्होंने अभी तक दिया। जिस तरह रिव्यू इनका देखा आपने, अभी यदि आपने रिव्यू देखा होगा, एनिमेशन से लेके इफेक्टिंग सिनेमैटिक वर्क, फाइटिंग एक हॉलीवुड स्किल और एक रियलिस्टिक स्किल्स में कन्वर्ट। बाकी इसकी स्टोरी के बारे में आगे हम धीरे धीरे बनाते रहेंगे वीडियोस और बताते रहेंगे कि इसकी स्टोरी और इसके टीजर कैसे लॉन्च होता है। वर्ल्ड वाइड रिलीज मूवी कोई ऐसे मूवी नहीं रिलीज करते क्योंकि उसको पता है कि कुछ तो होगा इस मूवी में, इसका बजट भी काफ़ी हैवी होगा, इसे तो देखने में बड़ा मजा आएगा। रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी यार। And let's see कि क्या रिव्यू निकलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी। और टीजर देखने के बाद तो पीछे वॉच कर दी।